क्या करो यार, एक काम करते हैं, मेरे पास फोन है, इससे एक फोटो क्लिक करता हूँ, उसके बाद इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगा, बहुत लाइक आएगा और मैं वायरल हो जाऊंगा, उसके बाद पैचा ही पैचा भाई। पैसा ही पैसा हो गया। अरे डेविड भाई, हाँ कहाँ जा रहे हो? अरे फोन से कुछ फोटो क्लिक करना था। क्यों यार? क्योंकि इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है, बहुत दिन से पोस्ट नहीं किया। फोन क्यों? मेरे पास कैमरा है। नहीं नहीं फोन काफी है, आजकल फोन से भी बहुत बढ़िया फोटो होता है। वो कैसे? मतलब कुछ टिप्स है जिससे हम बढ़िया फोटो क्लिक कर सकते हैं। सही में मुझे भी बता। अरे यार अभी तो फोटो क्लिक करना था, इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी करना है ना। अरे बता ना यार, मुझे भी बता दे कुछ टिप्स। अरे चल तुझे दिखाई देता हूँ, एक साथ करते। ओके, फोटोशूट करने के लिए पहले हमें चाहिए नेचुरल लाइट। अगर आप नेचुरल लाइट पे फोटो क्लिक करते हो, अगर लाइट ज्यादा भी हो, आप टैप करके अपने अकॉर्डिंग लाइट को सेट करके आप एक फोटो क्लिक कर सकते हो। और हाँ, फोटो क्लिक कर ही रहे हो तो कभी भी जूम मत करना। क्या होता है, जूम करने पर हमारे जो फोटो की क्लैरिटी है वो कम हो जाता है। आज के टाइम पे जो फोन है उसमें क्लैरिटी लॉस नहीं होता, जैसे कि 20, 25, 30,000 ऐसे फोन में आपका क्लैरिटी लॉस नहीं होता। अगर आपका फोन 10,000 and 12,000 तो आप जूम मत करो। फोटो की जो फ्रेम है ना वो एकदम DSLR की तरह चाहिए, तो आप 1.5 at 2x तक जूम कर सकते हो, जिससे आपका फ्रेम एकदम DSLR की तरह दिखेगा। और उसमें ब्लर आप ऐप से लगा सकते हो। अगर क्लैरिटी लॉस हुआ तो आप इनहेंस कर सकते हो, जिसके बारे में मैं और एक वीडियो बनाया, आप आई बटन से चेक कर लेना। अगर आप थोड़ा जूम करके फोटो क्लिक कर रहे हो तो आपको ये पॉइंट आपके दिमाग में रखना है कि हमारा जो हैंड है ना वो शेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो हैंड है वो जब भी शेक होगा तो आपका क्लैरिटी और ज्यादा लॉस होगा। और कुछ भाई लोग क्या करते हैं कि फोटो क्लिक करने के लिए अपने फोन की जो बटन है ना इसको प्रेस करते हैं, या साउंड बटन प्रेस करके हमारे फोटो क्लिक करते हैं। इससे क्या होता है, जब आप प्रेस करते हो तो आपका फोन शेक हो जाता है, जिससे आपका क्लैरिटी लॉस होता है। अब इसमें क्या कर सकते हो, जो आपका हेडफोन है ना उसको लगाकर आप फोन ऐसे रख के ऐसे टैप करके आप फोटो क्लिक कर सकते हो। और आप टाइम लाइन से भी अपनी फोटो को क्लिक कर सकते हो, जिससे थोड़ा भी शेक नहीं होगा और आपका फोटो क्लैरिटी नेक्स्ट लेवल होगा। और आपके पास ट्राइपॉड हो तो और भी बढ़िया। और कुछ भाई क्या करते हैं, फोटो क्लिक करने टाइम हमेशा एक ही एंगल से फोटो क्लिक करते हैं। आप अलग अलग एंगल ट्राई करो, जैसे कि आप थोड़ा हाफ एंगल ट्राई कर सकते हो, थोड़ा डाउन एंगल ट्राई कर सकते हो, साइड एंगल ट्राई कर सकते हो, लेफ्ट राइट ट्राई कर सकते हो। कौन सा एंगल आपको पसंद आ जाए वो किसको पता। अगर आप एंगल ट्राई कर ही रहे हो, एंगल में जो मेन पॉइंट है ना वो है हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये होता है वर्टिकल लाइन। इसके लिए आप कैमरा सेटिंग पर जाओ एंड जो ग्रिड लाइन है ना इसको ऑन करके रखो। ग्रिड लाइन से क्या होता है, जो आपका फ्रेम है वो आप परफेक्ट ले सकते हो, कुछ भी फ्रेम एयरफेयर नहीं होगा। और भाई आपके फोन में जो फ्लैश है ना वो हमेशा आप एक टॉर्च लाइट की तरह यूज करते हो। कभी भी ये फोटोज के लिए ट्राई किया है, तो फोटो क्लिक कर रहे हो उस जगह आपका फोटो क्लैरिटी नहीं हो रहा है या बढ़िया नहीं लग रहा है, तो आप कभी फ्लैश से भी ट्राई करो, फ्लैश से भी कभी कुछ नेक्स्ट लेवल फोटो हो जाता है। आई नो फोटो अच्छा भी नहीं हुआ तो डिलीट करने में एक सेकंड की काम है, तो आप फ्लैश भी हमेशा ट्राई करो। फ्लैश से जो फोटो होता है ना देख सकते हो कुछ नेक्स्ट लेवल फोटो आया है। अगर आप फोन से कुछ क्रिएटिव शॉट लेना चाहते हो तो हमेशा आप रिफ्लेक्शन ट्राई करो, जैसे कि मिरर, ग्लासेस एंड वाटर, ये सब में कुछ रिफ्लेक्ट होता है, तो रिफ्लेक्ट में आप ट्राई करो। फोन से कुछ रिफ्लेक्ट अलग ही लेवल की फोटो होता है, जैसे कि आप किसी मॉल के सामने जाओगे ना उस जगह भी आपका जो फोटो है ना वो कुछ रिफ्लेक्ट होगा। उस जगह आप फोन से फोटो क्लिक करोगे तो नेक्स्ट लेवल होगा। और पानी में आप ट्राई जरूर करना, जितना भी हो सके आप कुछ रिफ्लेक्शन टाइप फोटो क्लिक करो जो कुछ क्रिएटिव लगेगा, फोन के लिए बेस्ट। जो भी आपने फोटो क्लिक किया उस फोटो में कुछ अलग अलग टोन डालने की ट्राई करो। टोन के ऊपर बहुत सारी वीडियो है जो आप लाइटरूम से टोन डाल सकते हो, आई बटन से आप चेक कर लेना एंड नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगा। चलो अभी कुछ मजे की बात करें, अगर आप कुछ क्रिएटिव शूट करना चाहते हो तो कुछ फोटोग्राफर को फॉलो करो, जैसे कि ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप फॉलो कर सकते हो, अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। क्या होता है, अगर आप फॉलो करते हो ना तो कुछ फोटोज को देखकर आपका कुछ आइडिया आएगा। आई नो कि आप ऐसा ही फोटो क्लिक करो लेकिन कुछ देखकर कुछ अलग सा आइडिया आता है, थोड़ा हटका आता है, जो आप ट्राई कर सकते हो। तो भाई टिप्स तो क्लियर हो गया ना यार, तुम्हारे वजह से बहुत कुछ सीखने को मिला आज, थैंक यू सो मच यार। तो ये फोन से ऐसे एकदम मस्त एक काम कर, तू मेरा कैमरा ले जा, तू कैमरा बेच के मुझे पेप्सी खिला देना। फोन से भी कर सकते हो यार, ट्राई करना, और फोन से भी कर सकते ट्राई करना, चला जा।